एहो जे लोग कई रब भी बन गए, इतना बेपनाह मोहब्बत, इतना बेपना प्यार। अर्जुन देव दा गुरु रामदास जी दे नाल अपने पिता दे नाल ऐसा मौका बनया, ऐसे हालात बने कि रिश्तेदारी दे विच जाना पै गया। काका सी नहीं जा सकते, पहला वड्डे बच्चे नूं कहा नहीं गया, दूजे नूं कहा भी नहीं गया, इन्हां नूं कहा गया कि असीं नहीं जा सकते, आप शादी का भुगतान करके आओ, गलां मत सुनो जे तो असां अमल नहीं करना। लंगरी छकने ने, टब्बर पालने ने, पेट पालने ने, फिर बेशक थोड़ा आराम करो, सौ लो, ताकि नींदों तो आ जाएगा घट तो घट। केंद्र ब्याह शादी जाओ, सतबचन पिता जी जिमें जिमें हुक्म तिवें तिवका। हाँ एक गल याद रखना, जब तक असी बुलाइए ना, सदिए ना, और तुस आना नहीं। सदांगे, बुलावांगे, हुण तां सत्संग च भी कई बैठे होणगे, मोबाइल फोन चालू ने उन्हां दे, अगे रखे ने SMS सारे नाल ही करी जांदे ने, कई छिरले नूं सिर नीवा करके गल्लां भी कर लैंदे। ओह तां फोन भी नहीं सन, SMS भी नहीं सी लाने, फोन कुछ भी नहीं सी हैगा। पत्रकार यानी हरकार चिट्ठी पत्री का भी बहुत मुश्किल साधन से, सुनिया भेजन का भी बहुत मुश्किल उपराला से। जब तक सुनिया ना जावे आना नहीं। इतना प्रगाढ़ प्रेम और दूरी च इतनी तड़प हो गई, शरीर तंदूर दे वांग पक उठिया, बिरह दे नाल जल उठिया। फरमांदे ने गुरबाणी दे अंदर के बिरहा बिरहा कूकिए, बिरहा तो सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे सो तन जान मसान। जिहदे अंदर बिरहा नहीं जागदा, जिहदे अंदर दूरी तड़प नहीं दिंदी, हुण उस तड़प ने आत्मा तो एक गल की, और वो गल की कीती सब तो पहला गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की। जब अर्जुन देव जी से अजे पिता के हुक्म ते गए सी कि दैन दिस छत्र मेंग कटाकट, दामन चमक डरायो, सेज अकेली मोहे नीन ननैनो, मेरा पिर परदेस सिधायो। वो अवस्था नहीं आई, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक जगह फरमाते ने कि साच कहूँ सुन लियो सब है, कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बड़े रस्ते ने रब नूं पाउण दे, किसी ने सेवा करके पाया, किसी ने प्रेम करके पाया, किसी ने हुक्म मन के पाया, किसी ने कुर्बानी दे के पाया, किसी ने निशावर होकर के पाया, किसी ने हुक्म विच रह करके पाया, किसी ने निंकार की सेवा करके पाया, किसी ने साकार की सेवा करके पाया। भरत ने निंकार की सेवा की है, लक्ष्मण जी ने साकार की सेवा की है, अमरदास जी ने हुक्म दे विच रह करके सेवा कर करके अमरदास तो गुरु अमरदास हो गए, हुक्म मन मन करके कई लहने तो गुरु अंगद हो गए। मीरा नच नच के रब नहीं बनी, रब नो घट भी नहीं बनी। कबीर ने जो गल आखी कि पहला मरन कबूल, जीवन की छड़ आस,
हो सब ना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। इतनी गल लिखण वाले कुर्बानी दी, समर्पणा दी गल लिखण वाले कबीर उचारण वाले, उन्होंने पहला अपने जीवन काल दे विच एक चरण तोड़ वांगू रामानंद जी के चरणों के अपने आप में विछा दिता, समर्पित कर दिता। ठोकर खा करके गुस्सा नहीं किया। शायर कहता कि दे कि ठोकर किसी पत्थर से खाई है, गर मैंने तो मंजिल का निशान भी उसी पत्थर से मिला है। हुन ठुड्डा लगता है, ठोकर पैंदी है, तो एक आवाज भी आउंदी है कन्ना च, उठो राम के कहो राम राम। पहली लाइन च क्या, उठो राम के, किसने? रामानंद जी ने कि हे मेरे सेवक, हे मेरे पुत्र, हे मेरे दास, कबूल कर लिया उन्होंने, कहो राम राम। राम ने नाम दी कमाई करा कर सिमरन करा। सुखदेव मुनि अर्गे बारह बारह साल जूटियां पत्तलां ते रह के ओह चटके गुजान कर करके रब वर्गे हो गए। रस्ते बड़े ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो फरमाया कि साच कहूं, कहिंदे दो राय नहीं है कि जिन प्रेम की उतन ही प्रभ पायो। पर अजकल प्रेम नहीं है, प्रेम सिमट करके रह गया किताबां दे विच, ग्रंथां दे विच। विस्तार तो पता नहीं कितना बड़ा होगा, मोह तो लेकर के कुर्बानी तक भी हो सकता है, बचपन तो लेके मौत तक भी हो सकता है। क्या भी है कहने वाले ने, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुए। के ढाई अक्षर जिन्हों समझ आ जाए, ये पंडित गुणी ज्ञानी रब बन सकता है। इतना क प्रेम और दूरी ने इतनी तड़प दिती, दूरी कह उठी के दैन जिस छत्र दसों दिशावां, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ते पूर्व और उत्तर दे विचकार, उत्तर दे दक्षिण दे विचकार, दक्षिण ते पूर्व दे विचकार लियां, ते धरती ते आकाश दी दो दसों दिशावां। ऐसा पर गुरदास जी ने फरमाया चार कुंठ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दैन दिस परम में थकाए प्रभु की शाम, दसों दिशावां घुम घुमा कर। ते महाराज फरमाने ने कितना प्रेम, दैन दिस छत्र मेंग कटाकट, हालात की बनी है काली गहरी रात, महंगा बरस दे पे ने, बिजली कड़कती पई है, और सेज ते मैं कली हाँ आत्मा। दर्शन दरबार WZKLA, न्यू महावीर नगर, तिलक नगर, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली 110018, फोन नंबर 011-2599-1154, वेबसाइट www.कंतदर्शनदरबार.org।